अब तक समाचार में आपका स्वागत है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, कल 5 दिसंबर था, लोगों ने जो है अपना मताधिकार देकर जो है चुनाव के दिन मत दिया है। उसके बाद आज 6 दिसंबर है। समस्या अगर लोगों की हम बताएं तो जुहापुरा फतेहवाड़ी कैनाल से कोई अनजान नहीं है। कल 2 बच्चों की गिरने की घटना सामने आई, दोनों का बचाव हुआ, आज फिर 1 बच्चे की जो गिरने की घटना आई सामने, अब तक उसकी जो है खोज नहीं हो पाई है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है लगी हुई है और यहाँ के स्थानिक लोग जो बचाव के अंदर से शामिल, उन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ घटना थी और यहाँ ये लोग क्या चाहते हैं। जो प्रशासन नहीं समझ सकता वो यहाँ की आवाम समझती है, उनको समझाना चाहती है। सीधा हम उनसे बात करेंगे कि कैसी यहाँ पर जो दिक्कत है और क्या सुविधा हो तो यहाँ पर जो गिरने वाले बच्चे उनको बचाया जा सकता है। यहाँ पर तो सबसे पहले सुविधा ये होनी चाहिए कि ये जो कैनाल के अंदर जो ब्रिज है, ये ब्रिज के अंदर थोड़ी जाली लगे, ज़्यादा अपने को बड़ी भी नहीं, छोटी जाली लगे फुट बाय फुट की, के जो नई इंसान को तीरते आता हो तो वो भी बच्चे को गिर के आगे से निकाल सकता है, कि जो आगे के दो बच्चे की चलो गुजर जाता है वो बात अलग, पर डेड बॉडी तो कवर हो सकती है। 2 बच्चे ऐसे अभी भी लापता है, एक को 7 साल हो गए, 1 को 6-7 महीने हो गए छोकरे के, अभी तो डेड बॉडी का कोई अता पता नहीं है। अपने वो समझते हैं कि डेड बॉडी तो फिलहाल मिल जावे, 6-7 साल हो गए मुसलमान का लड़का, उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। हमने लाइव देखा हुआ छोकरे को गिरते हुए, पर बहुत तो चीज बनो डेड बॉडी ऊपर ही नहीं आई है। अभी एक हिंदू छोकरा था और गणपति विसर्जन के लिए गया था, अंदर गिरा, वो छोकरे की 6-7 महीने हो गए, उसकी डेड बॉडी का अभी तक कोई पता नहीं है। अभी तक उसकी दर्श नाम था, उस लड़के का दर्श नाम था, और उसकी भी डेड बॉडी नहीं मिली है। फिलहाल जो ये कैनाल है इसके अंदर जो जाली लग जावे, सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि जाली लगेगी तो कोई बच्चा, कोई भी आम इंसान भी गिर के उसको बचा सकता है। ये इतने बहते पानी के अंदर कोई की ताकत नहीं होती कि गिरे, अगर जाली होगी कोई बचाव पक्ष होगा पकड़ने का तो इंसान गिर के भी निकाल सकता है। लोग आते इतनी मदद करने पर ये ब्रिज का कोई इलाज नहीं होता, यहाँ दुनिया का ट्रैफिक भी इतना ही होता है। अगर ये ब्रिज तो चलो तुम बनाओगे तो बनाओगे, पर यहाँ फिलहाल अभी जाली नहीं बन जावे तो बहुत अच्छी बात। कल 2 लड़के गिरे थे, दोनों को बचाया गया था बराबर, आज 1 लड़का गिरा हुआ अभी तक उसका कोई अता पता नहीं, अभी बेचारे ढूंढ रहे, पर इन्हें बहते पानी के अंदर कौन बचाएगा, कौन गिरेगा। अच्छा, ये जो पानी का बहाव है उसके अंदर जो तैरने वाले लोग है वो भी नहीं जा सकते, 5 विकेट भी नहीं गिर सकती है, 5 विकेट को भी डर लगती है, क्योंकि इतना बोर जगह पानी का बहाव इतना आएगा, यहाँ जा पानी का बहाव इतना आएगा कि कोई इंसान नहीं आ सकता बाहर। अगर वो इंसान तैरते आता होगा तो भी, क्योंकि पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है, अगर वो जाली होगी वहाँ पे तो जाली के हिसाब से क्या इंसान बाहर आ सकता है, जाली को पकड़ के सहारे भी बाहर आ सकता है। तो इसकी कोई अब तक रजूआत हुई नहीं है कि जाली लगाई जाए? नहीं, बहुत जनों ने रजूआत करी है पर कोई इसका कोई समाधान अभी तक आया ही नहीं है। अब और हमारी मर्जी है, हमने बहुत वक्त वहाँ रस्सा भी डाल के रखा हुआ है, पर यहाँ की आम बच्चे की पब्लिक ऐसी है कि अंदर नहाने गिरती, वो नहाने गिरती है उनकी माँ हमारे पास लड़ने आती है कि भाई तुम्हें रस्सा बांध के रखते हो, बच्चे हम नहाने जाते, पर हमने बचाव के लिए रस्सा डाल के रखा हुआ है कि पब्लिक पकड़ के भी बाहर आ सकती है, पर वो उनकी माँ लड़ने आती है, दुनिया के बच्चे वहाँ नहाते होते, अपने किस किस को बोलने जाने का। यानी फिलहाल यहाँ पर जाली लग जाएगी तो जाली बेहतर ज़्यादा ज़रूरी है कि जाली फुट बाय फुट की जाली हो, ये फुट बाय फुट का हो, ताकि कचरा भी बाहर निकल जावे और कोई भी इंसान गिर के भी उसको बचा सकता है। बस हमारी इतनी गुजारिश है कि जाली का जल्द से जल्द हो जावे तो बहुत अच्छी बात है। जो लड़का गिरा था क्या कितनी उम्र होगी उसकी? 12 साल की लड़का है। अच्छा, 2 लड़के जो पहले भी गुजरे उनकी भी 12 साल और 13 साल की उम्र है। मतलब तकरीबन ये 12-13 साल के 13 साल के लड़के गिरते तैर नहीं सकते, वो इंसान बच के नहीं आ सकता बाहर। तो कल आपने जो 2 बच्चों को बचाए, कैसे किस तरह से बचाए, कैसे रेस्क्यू किया आपने, थोड़ा बताइए। यहाँ से बच्चे वहाँ से हमने आगे से ब्रिज के आगे से रस्सा डाला तो रस्सा पकड़ के अंदर चला गया, फिर भाग के दूसरा रस्सा हमने आगे तक डाला, वहाँ से रस्सा डाल के ने दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। और वो बच्चों को तीरते आता था तो चलो निकल गए कि ऊपर ऊपर दे, जो तीरते नहीं आता वो इंसान डूब जाता है तो इंसान का क्या करेंगे। यानी जाली होगी तो बेहतर ये होगा कि जाली का बचाव चले तो हमारे पास रस्सा होता है, अगर रस्सा नहीं हुआ रात को तो क्या करेंगे, शाम को क्या करेगा कोई इंसान, 24 कलाक तो हम यहाँ पे खड़े। आप कितना रेस्क्यू कर चुके और कितने लोगों को बचा? ये कम से कम मैंने 8-10 जनों को बचा चुका हूँ, मैं इस एरिया के अंदर 8-10 जनों को बचा चुका हूँ। फतेहवाड़ी चौकी गवाह है अपने पास और यहाँ की पब्लिक भी, हमाम भी गवाह है कि 8 से 10 बच्चों को बचा चुका हूँ। और ये हर उत्तरायण के टाइम पे ये होता ही है, 2 रुपये के पतंग के लिए बच्चे गिरते ही,
उसके लिए मेरे अभी पहले से तैयारी करनी पड़ेगी कि अभी रस्ता डालना पड़ेगा। रस्ता डालूंगा तो आगे जाके कोई बच्चा गिरे नहीं, और गिरे तो बच जावे, बचाव हो जावे। तीरते नहीं भी आता होगा तो भी, तीरने वाला भी नहीं होगा तो भी रस्ता पकड़ के बाहर तो निकाल सकते हैं ना उसको। जी क्या कहोगे आप भी साथ में? हम यहाँ पे खड़ा था, मैं भी साथ में ही था। अच्छा, पर कह रहे मतलब हाँ देखा है सब पिक्चर, देख कल भी देखा था हमने, कल भी दो बच्चों को बचाया था, आज हमको गाड़ी आई तो पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है और उसको यहाँ पे जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी है कि जाली वाली लगाया जाए बस। इधर जाली होगी तो बचाव होगा, 100% बचाव होगा। आप लोग रजूआत करें, कॉर्पोरेटर है जो विधायक यहाँ के, उन लोगों के पास जाए, जो सामाजिक आगेवान सब मिल के जाए, रजूआत कर सकते हैं। अपन यहाँ बहुत कायदे बताते हैं, इधर जाओ, उधर जाओ, ऐसे ही बोलते सब। अच्छा, ये आपके पास अभी मौका था, चुनावी मौका जब आया था, लोग आपकी गली चौखट पे, दरवाजों पे, मोहल्लों में जब वोट की भीख मांगने आते थे, तब आप उन लोगों से ये रजूआतें कर सकते थे। हालांकि चले वो समय चला गया है, ख़त्म हो चुका, अब उन लोग आपकी गली चौराहे पे कहीं दिखेंगे नहीं। अब जो है आप लोगों को सबको मिलकर, प्रशासन जो है, कॉरपोरेशन है, विधायक की ऑफिस है, यहाँ तमाम को लोगों को जाके आपको इसकी रजूआतें करनी पड़ेगी, उसकी आप अब तैयारी करिए। हाँ सही है, वो उसको मुलाकात करेंगे उनसे अब जैसा रखेंगे अपने के इसको ये सब जल्द से जल्द कराया जाए। जी मेन तो क्या जाली का मेन मसला है, मेन मसला वही है, जाली जरूर होगी तो इंसान का बचाव 100% होगा। कोई भी आम इंसान भी कूदेगा, सबको अपनी जान प्यारी होती है। आज इंसान कूदेगा तो कौन से भी इस पे कूदेगा, खुद बचा होगा तो कूदेगा ना। कल भी दो इंसान गिरे तो अपन रस्सा बांध के गिरे थे तो बचाया, अगर रस्सा नहीं होता तो कोई थोड़ी गिरता। बेहतर बने यहाँ के लोगों ने ऐसा बताया कि आप रस्सा लेकर कहीं दूर तक भागे? हाँ आगे आधा किलोमीटर दूर तक भागा था मैं, पर अगर वो बच्चा दिखा तो मैं कूदू ना, बच्चा दिखा ही नहीं तो मैं कूदू कैसे? अरे प्राणी का जो भाव प्रेशर कम होता तब भी वो आप बच्चा तीरते आता होता ना तो बच्चे का बचाव है कि कोई इंसान उसको गिर के भी बचा सकता है, पर तीरते नहीं आता हो बच्चा नीचे ही चला जाए, और जाली होगी तो बच्चा अटक जाएगा, जाली से बच्चा अटक जाएगा, चलो खत्म हो गया, अपन उसकी डेड बॉडी तो कवर हो जाएगी ना। अभी कई बच्चे ऐसे कि उसकी डेड बॉडी का कोई अता पता नहीं है, सालों बीत गए डेड बॉडी का अता पता नहीं है, माँ बाप अभी भी हाथ लगा के बैठे कि हमारा बच्चा जिंदा है, पर हमने तो लाइव देखा हुआ है कि बच्चा अंदर डूबी गया था, गिरी गया था, उसके बाल देखे, उसका सिर देखा है, हमने लाइव देखा हुआ है, हम तो 24 कलाक यहाँ ही रहते, लाइव देखा हुआ है। अभी जो फायर की टीम जो है वो अब रवाना हो चुकी है आगे की ओर, आगे की ओर गई है, वो बाजरावाड़ के आगे की ओर गई है। अब देखो बच्चा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल जब तक ये पानी बंद नहीं होगा वहाँ तक तो डेढ़ बोरी मिलना मुश्किल है। पानी भी तो बंद कराया जा सकता है प्रशासन के, पानी बंद कराया जा सकता है कॉर्पोरेटर को, अब बोलते हैं तो वो बोले भाई आगे पुलिस के काम है, अब वो पुलिस की इंक्वायरी करेंगे, पुलिस बोलेगी आगे फॉर्म लिख के देगी, जब पानी बंद होगा वहाँ तक तो डेढ़ बोरी मिलना मुश्किल है ना। चलिए तो ये दर्द था यहाँ की आवाम का, ये रजूआतें थी कि प्रशासन अगर समझे, फिर 14 जनवरी है जो, तब मकर संक्रांति का त्यौहार आएगा, बच्चे यहाँ पर पतंगों के लिए निकलेंगे और यहाँ कैनाल की तरफ आएंगे और उनके साथ ही अकस्मात हादसा होगा। उससे पहले अगर प्रशासन यहाँ पर जो जाली लगाती है तो कहीं लोग जो है, कहीं बच्चे हैं, उन लोगों का बचाव हो सकता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अब ये जो है इनकी रजूआतें आगे, सामाजिक जो आगेवान हैं यहाँ के, तमाम लोग मिलकर रजूआत करेंगे प्रशासन को कि देखने का ये कि आने वाले समय में क्या इनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती है जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों को बचाया जा सके। अभी तो अब फिलहाल जो है 12 साल का जो है युवा बच्चा गिर चुका है, डेड बॉडी अब तक मिली नहीं है, तकरीबन 2-3 घंटा हो चुका है, दो तीन घंटे हो गए। परिवार जो है शोक में है और फायर प्रशासन की जो टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, वो तमाम लगी हुई है ढूंढने के लिए। इन्होंने भी इनकी तरफ से जो है मेहनत की और आधा 1 किलोमीटर तक जो है रास्ता लेकर दौड़े है बाइक लेकर, पर कहीं उसकी जो है खोज नहीं हो पाई। अब जो एक आगे की एक प्रक्रिया है, जो बाजरावाड़ इलाका है वहाँ से अगर जो फायर ब्रिगेड की टीम को कुछ मिलता है तो वहाँ से वो मिल सकता है। उसके अलावा लेकिन यहाँ पर ऐसे भी हादसे हुए कि 7-8 साल से जो है डेड बॉडी भी नहीं मिली है। एक दर्ज करके लड़का था, उसकी 7-8 महीने हो गए, उसकी भी जो है डेड बॉडी नहीं मिली है। कुछ कम लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी मिली है और बहुत ही कम लोग ऐसे जिसकी जो है बचाव हो पाया है, जिनमें से कल 2 बच्चों को इन्होंने यहाँ से बचाया, अब तक 7-8 बच्चों को बचा चुके हैं। ऐसी इनकी यहाँ पर एक सेवा है, यहाँ पर ही आपका जो है पान का गल्ला है, मेरा चाय की होटल है, उसके वजह से मैं तुरंत दौड़ सकता हूँ, उसके वजह से तुरंत मुझे खबर पड़ सकती है। इस बच्चे के लिए भी मुझे तुरंत खबर पड़ी, कोई नहीं था, मैं अकेला ही था, मैं दुकान छोड़ के मैं भागा था, मेरी दुकान खुली रखी, मेरे को दुकान की नहीं पड़ी थी, किसी बच्चे से जान से बढ़ के थोड़ी दुकान है, मैं कल कमा लूँगा, पर अपने को दुकान की नहीं पड़ी, पर अब
बहुत देर हो चुकी थी, बच्चा बहुत दूर जा चुका था, पानी का प्रेशर इतना है कि बच्चा बहुत दूर जा चुका था, और अकेले का काम भी नहीं था ये कि मैं उसको बचा सकूं। आपका नाम भी हमारे? मेरा नाम जावेद शेख है, मेरा पान का छोटा सा गल्ला है, सर्विस स्टेशन है, मैं चलाता हूँ यहाँ पे, मेरा छोटा छोटा दुकान है, घर चलाता हूँ मैं। बाकी ये तो अपने सेवा का काम है, मुस्लिम भाइयों का काम है कि भाई बचा सकते अपने से ही होता है उतना कर सकते, अपनी ताकत नहीं है, खैर अल्लाह की मर्ज़ी है, पर अगर हो सके तो मुसलमान भाई आगे आवे, और ये थोड़ी बहुत भी हेल्प करोगे तो आम पब्लिक भी हेल्प कर सकती है, आम पब्लिक भी हेल्प करके थोड़ा थोड़ा भी करके खाली जाली बना दे अपने को तो और ज़्यादा नहीं चाहिए, जाली मेन जाली का मसला है यहाँ पे। इनका कहना अगर प्रशासन ध्यान नहीं देती तो यहाँ की जो आवाम है मुसलमान, जो शिक्षित है, जो मुसलमान माली एतबार से भी जो है मदद करें तो यहाँ पर जाली लग सकती है। जो खर्च अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कैंडिडेट ने चुनाव में किया है, अगर उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ लग जाता तो जाली अगर यहाँ पे लग सकती थी और बच्चों का बचाव हो सकता था। जावेद शेख ने जो अपनी बताई है रेस्क्यू की प्रक्रिया है, रेस्क्यू के कैसा काम करते हैं, तमाम यहाँ की जो आवाम है इनके साथ जुड़े हैं, मदद में रहें, इनको और भी जो है साधन की जो ज़रूरतें हैं वो मुहैया करा दें अगर, तो इनका गल्ला यहाँ पास ही में है, अगर कोई ऐसी भी घटना होती है तो तुरंत जावेद शेख दौड़ते हैं, और तमाम जो है इनसे इनको मोटिवेट करना चाहिए, तमाम यहाँ की जो तंजीम है संस्था है कि इनकी अगर क्या ज़रूरत है कि ये तुरंत बच्चों को बचाना है तो क्या हो सकता है, ऐसी ज़रूरतों को इनसे मिलके पूरा कराया जा सकता है। ये कुछ समाचारों को देखने के लिए देखते रहिए हमारी चैनल आप तक समाचार। धन्यवाद।